सत श्रीकाल जी, स्वागत है तुहाडा इस वीडियो दे विच। सो स्क्रीन दे उत्ते तुसीं वेख सकदे हो ईडी टेट पास 2364 बेरोजगार संघर्ष कमेटी वल्लों जिहड़ी है मीटिंग कीती गई है जी, ते इहदे बारे जिहड़ी है तुहाडे नाल जानकारी जिहड़ी सांझी करांगे। 2364 पूरी करवाउण दे लई जिहड़ा आ संघर्ष जारी है, ते इक मीटिंग जिहड़ी है ओह गोलूका मोड़ विखे जिहड़ी है कीती गई है कमेटी वल्लों। सो इतने अभी वेख सकते हो कि रुजगार की प्राप्ति लिए जो पिछले लंबे तो समय तो जी संघर्ष कर रही है ईडी टेट पास 2364 कमेटी, तो इन्हों वालों जी है शहीद ऊधम सिंह पार्क गोलूका मोड़ विखे जी एक मीटिंग की गई, तो 2364 बहाल कराने जरा साथियों नाल विचार वटांदरा किया गया। तो 7 अगस्त में जरा आ मुख्यमंत्री साहब की पंजाब की जी कोठी के घराओं संबंधी जरा अगले संघर्ष की जी लामबंदी की गई है। पंजाब सरकार ने यह चेतावनी जी है 2364 कमेटी वालों दी गई कि जेकर सरकार जी है वो अपना हलफनामा कोर्ट में जी है नहीं दाखिल करती, जिमें कि तुम्हें पता है कि एफीडेविट जरा सिक्ख्या विभाग ने दाखिल करना है जरा कोर्ट के 23 अगस्त जी 22 होने वाली जी सुनवाई है, तो वो कहा गया है कि अपना जरा सरकार हलफनामा जरा पेश करे जी, तो 2364 जी भर्ती है वह कोर्ट में बहाल करावे। तो जेकर पंजाब सरकार इस फर किसी भी प्रकार की कोई ढिल करती है तो 2364 संघर्ष कमेटी जी है वह आने वाले दिनों पंजाब सरकार विरुद्ध जी गुप्त एक्शन जी जारी रखेगी। तो इतने जोड़े सारे जोड़े साथी सन 2364 कमेटी के, तो होर भी जोड़े अध्यापक साथी जोड़े पहुँचे सन इस मीटिंग दे सारे इतने जोड़े हाजिर सन। सो इतने तुम्हें दस दिए जी एक पैनल मीटिंग है जी 2364 कमेटी भी दे दी गई है 22 तरीक न जी है 22 अगस्त में एक पैनल मीटिंग रखी गई है सिक्ख्या मंत्री नाल, तो भी जी है ये मंगा जी रखी जाएगी जी। तो 23 तरीक न जी है अगली कोर्ट के जी अपनी अगली जी सुनवाई है 23 अगस्त में 2364 की, तो उम्मीद हैगी है जी कि अपनी जी है ये भर्ती भी जी पूरी होएगी। सो ये जानकारी जी साझी करनी थी। थैंक यू जी वीडियो देखने के लिए।